सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, जो हमारे सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, दैट इज एक्स एक्स एंड एक्स वाई, इन पर जो जीन प्रेजेंट होते हैं उनका इनहेरिटेंस टू नेक्स्ट जनरेशन कैसे होता है, इसमें हम ये स्टडी करेंगे। ठीक है, हमारे जो क्रोमोजोम होते हैं टू टाइप के होते हैं, ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोजोम एंड सेक्स क्रोमोजोम। ऑटोसोम होते हैं, ये डिफाइन करते हैं जो हमारे सोमेटिक ऑर्गन्स होते हैं, सोमेटिक सेल्स होती हैं, उनके कैरेक्टर्स को। ठीक है, एंड जो हमारे सेक्स क्रोमोजोम होते हैं उन पर ये हमारे ऑर्गेनिज्म के सेक्स को डिफाइन करते हैं, दैट इज एक्स एक्स फॉर फीमेल एंड एक्स वाई फॉर मेल। ठीक है, और इन क्रोमोजोम पर जो जीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनका इनहेरिटेंस, और इनहेरिटेंस किस प्रकार से होता है, और ये जो जीन होते हैं ये कौन से करेक्टर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, जो हमारा वाई क्रोमोजोम होता है वो स्मॉल होता है, स्मॉल एंड स्मॉल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन दैम। ठीक है, मींस इस पर स्मॉल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट होते हैं, और ये जीन क्या कहलाते हैं, होलेंड्रिक। ठीक है, होलेंड्रिक। जो जीन हमारे वाई क्रोमोजोम पर प्रेजेंट होते हैं वो स्मॉल इन नंबर में होते हैं, एंड वाई क्रोमोजोम स्मॉल इन साइज में होता है। ठीक है, और इन जीन को बोलते हैं होलेंड्रिक जीन। ठीक है, जो हमारा एक्स क्रोमोजोम होता है वो लार्ज इन साइज होता है, एंड इट कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ जीन। ठीक है, कंटेन लार्ज नंबर ऑफ जीन। ठीक है, और ये जीन जिन कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं उसको कहते हैं हम सेक्स लिंक कैरेक्टर। ठीक है, सेक्स लिंक कैरेक्टर। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप ऑफ सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, टाइप ऑफ सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, लिंक इनहेरिटेंस। इसमें फर्स्ट टाइप आता है एक्स लिंक इनहेरिटेंस, फर्स्ट इज एक्स लिंक इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मींस इनहेरिटेंस ऑफ दोज कैरेक्टर। ठीक है, उन कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस मींस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जो कैरेक्टर का ट्रांसफर हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, इसमें इनहेरिटेंस ऑफ दोज कैरेक्टर विच आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोजोम। ठीक है, जो एक्स क्रोमोजोम के नॉन होमोलोगस पार्ट्स पर प्रेजेंट है। ठीक है, नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोजोम। ठीक है, मींस इनके जो कोरस्पोंडिंग क्रोमोजोम होंगे, मींस इनके जो कोरस्पोंडिंग जीन होंगे वो वाई क्रोमोजोम पर प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, उन कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस क्या कहलाता है, एक्स लिंक इनहेरिटेंस। समझ गए, सेकंड इज वाई लिंक इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। इसमें वो करैक्टर इंक्लूड है जो हमारे वाई क्रोमोजोम पर प्रेजेंट है। ठीक है, मींस इनहेरिटेंस ऑफ द करैक्टर हुज जीन प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोजोम, जिसके जीन वाई क्रोमोजोम पर प्रेजेंट है बट नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ वाई क्रोमोजोम, वाई क्रोमोजोम के नॉन होमोलोगस पार्ट्स पर प्रेजेंट है। एंड जो हमारा कोरस्पोंडिंग एक्स क्रोमोजोम है उन पर ये एलील एब्सेंट है, ये जीन एब्सेंट है। ठीक है, एक्स क्रोमोजोम पर ये जो हमारे जीन के एलील है वो एब्सेंट है। ठीक है, उनको बोलते हैं हम वाई लिंक इनहेरिटेंस। थर्ड आता है एक्स वाई लिंक इनहेरिटेंस, लिंक इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। एक्स वाई लिंक इनहेरिटेंस में वो करेक्टर इंक्लूड होते हैं जिनके जीन हमारे एक्स वाई के होमोलोगस पार्ट्स पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो एक्स पर भी प्रेजेंट होंगे और वाई पर भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मींस होमोलोगस पार्ट के एक्स वाई पर जो जीन प्रेजेंट होते हैं उनका इनहेरिटेंस एक्स वाई लिंक इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है,
सेकंड आता है, नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ सेक्स लिंकेज। जो हमारी सेक्स लिंकेज होती है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम ऑर्डिनरी लिंकेज से, ठीक है। क्योंकि जो हमारी ऑर्डिनरी लिंकेज होती है उसमें टू पोर्शन प्रेजेंट होते हैं, मीन्स टू एलील प्रेजेंट होती है, ठीक है। बट जो हमारी सेक्स लिंक इनहेरिटेंस होती है उसमें ओनली वन क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है, जैसे लाइक एक्स एंड वाई, ठीक है। और जो नॉन होमोलोगस पोर्शन पर जो जीन प्रेजेंट है वो ये जीन जिस करेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, वो वाई पर प्रेजेंट नहीं है, ठीक। इसलिए जो हमारे जो सेक्स लिंकेज है उसको टू टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ड्रोसोफिला टाइप, एंड सेकंड इज एब्रेक्सिस टाइप, ठीक है। जो हमारे ड्रोसोफिला टाइप में इंक्लूड होते हैं, जो हमारी फीमेल होगी दैट इज होमोजाइगस, ओके, एंड कंटेन टू एक्स क्रोमोजोम, और जो हमारा मेल होगा दैट इज हेटरोजाइगस, ठीक है, दैट कंटेन वन एक्स क्रोमोजोम एंड वन वाई क्रोमोजोम, ठीक है। और ये हमारा फाउंड होता है मैन में एंड ड्रोसोफिला में। सेकेंड जो टाइप है हमारी एब्रेक्सिस टाइप, इसमें इंक्लूड होती है हमारी जो फीमेल होगी इसके अपोजिट होगा, ड्रोसोफिला टाइप के अपोजिट होगा, जो फीमेल होगी दैट इज ZW मीन्स हेटरोजाइगस, एंड जो मेल होगा वो होगा हमारा होमोजाइगस, ठीक है। और इसमें हमारा इंक्लूड्स होते हैं बर्ड्स, मोथ और फॉल, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्स लिंकेज इन मैन, ठीक है, सेक्स लिंकेज इन मैन। जो आर गेट्स एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, जो हमारे एक्स लिंक जो ट्रेड्स है, मीन्स जो सेक्स लिंक करेक्टर है या जिन है, उसने कितने रिपोर्ट किए, 45 जिन रिपोर्ट किए, ठीक है, जो सेक्स लिंक है, ठीक है। और उनमें से जो हमारे मेजर हैं दैट इज हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, मायोपिया, हेयरलेसनेस, ओके। ये सारे हमारे जो सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, ठीक है। हीमोफीलिया एक कंडीशन होती है जिसमें हमारा जो ब्लड क्लॉट होता है वो स्टॉप हो जाता है, एंड आफ्टर इंजरी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती, ठीक है। और जो कलर ब्लाइंडनेस होते हैं, इस डिसऑर्डर में जो पर्सन होता है, जो पेशेंट होता है, वो रेड एंड ग्रीन कलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, ठीक है। और जो मायोपिया जो डिजीज होती है, एक आई डिजीज है, ठीक है, और हेयरलेसनेस, ठीक है। अब जो हमारी सेक्स लिंक इनहेरिटेंस है, ठीक है, ये टू टाइप की होती है। एक होती है रिसेसिव सेक्स लिंक एक्स लिंक इनहेरिटेंस, ठीक है, एक होती है रिसेसिव एक्स लिंक इनहेरिटेंस, और सेकंड होती है हमारी डोमिनेंट एक्स लिंक इनहेरिटेंस, ठीक है। जो हमारी डोमिनेंट एक्स लिंक इनहेरिटेंस होगी, ठीक है, वो चाहे एक क्रोमोजोम पर प्रेजेंट हो तब भी खुद को क्या करेगी, एक्सपर्स, मीन्स इस कंडीशन में हमारा कैरियर एब्सेंट होता है, ठीक है। जो हमको जो फिनोटाइप मिलेगा वो ओनली क्या होगा, डिजीज। रिसेसिव एक्स लिंक इनहेरिटेंस में क्या होता है, फर्स्ट इज जो हमारा जीन होगा वो एक्स क्रोमोजोम पर प्रेजेंट होगा, ठीक है,
और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो क्रोमोजोम है दैट इज वाई, उस पर क्या होगा? एब्सेंट। ठीक है। सेकंड इज मेल का, जो हमारा मेल है उसका जो क्रोमोजोमल पैटर्न एक्स वाई है, ठीक है, तो जो मेल होगा ऑलवेज इन डिजीज कंडीशन, ठीक है, और जो हमारी फीमेल है दैट कंटेन एक्स एक्स टू क्रोमोजोम, ठीक है, इफ वन क्रोमोजोम वन सेक्स क्रोमोजोम कंटेन डिजीज डिजीज कंडीशन, तो हमारी जो फीमेल होगी दैट इज कैरियर, ठीक है। और ये कैरियर क्यों हुई? क्योंकि जो हमारा एक्स लिंक इनहेरिटेंस है ये रिसेसिव है, ठीक है, ये रिसेसिव है। यदि ये डोमिनेंट होता तो यहाँ पर जो हमको पेशेंट मीन्स जो ऑर्गेनिज्म मिलता वो होता डिजीज, ठीक है, डिजीज, इफ इट इज डोमिनेंट, हेयर इट इज केस। ओके, अब ये क्या है? ओनली कैरियर, ठीक है। इस केस में मीन्स हमारे जो दोनों ही एक्स क्रोमोजोम होंगे डिफेक्टिव होंगे तो हमें जो वुमेन मिलेगी दैट इज डिजीज। ओके, जो हमारे मेल होते हैं उनके पास एक एक्स क्रोमोजोम होता है, ठीक है, तो मेल हमेशा हेमिजाइगस कंडीशन में फाउंड होते हैं, ठीक है, हेमिजाइगस कंडीशन। और जो हमारी फीमेल होती है उसके पास टू एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट है, तो ये कैसे हो सकते हैं? होमोजाइगस भी एंड हेट्रोजाइगस भी, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो हमारा जो सेक्स रिसेसिव एक्स लिंक इनहेरिटेंस है ये क्या शो करता है? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस कैसे शो करता है? जैसे कि कोई हमारी डिजीज है दैट इज प्रेजेंट इन फादर, ठीक है, इट पास टू देर ग्रैंडसन, मीन्स कोई जो हमारी डिजीज है मेल के पास है, ठीक है, ये उसके ग्रैंडसन को पास होगी थ्रू अपोजिट सेक्स, थ्रू अपोजिट सेक्स मीन्स यहाँ डॉटर से ग्रैंडसन को पास होगी, ठीक है, सेम डिजीज कंडीशन लाइक हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस या मायोपिया। ओके, कोई भी डिजीज जो कंडीशन है जो एक्स क्रोमोजोम पर प्रेजेंट है, ठीक है, जो फादर के पास है वो ग्रैंडसन को पास होगी, ठीक है, सेम डिजीज पास टू ग्रैंडसन थ्रू अपोजिट सेक्स, ठीक है, थ्रू डॉटर, और ये जो डॉटर होगी दैट आर कैरियर, ठीक है, ये कैरियर में कैरियर फॉर्म में प्रेजेंट है इसलिए नेक्स्ट जनरेशन को पास करेगी। जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज कंडीशन, ये क्या होगी? मैन में ज्यादा होगी और वुमेन्स में क्या होगी? लो होगी। ये क्यों होगी? क्योंकि मैन के पास एक एक्स क्रोमोजोम है, ठीक है, तो जो मैन होगा ऑलवेज इन डिजीज कंडीशन में, ठीक है, बट वुमेन के पास कितने एक्स क्रोमोजोम है? टू एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट है, ठीक है, इट मे बी डिजीज और कैरियर, ठीक है, ये डिजीज भी हो सकती है और कैरियर भी। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ एक्स लिंक इनहेरिटेंस, एग्जाम्पल, ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल हम कलर ब्लाइंडनेस का लेते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, जो पर्सन इस डिजीज से अफेक्टेड होते हैं वो क्या होते हैं? जो रेड और ग्रीन कलर होते हैं उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, ठीक है, डजेंट डिस्टिंग्विश द डिफरेंस बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर, ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस। ओके, ये जो डिजीज कंडीशन है ऑल ह्यूमन रेस में पाई जाती है इन व्हाइट रेस एंड ब्लैक रेस, ठीक है, और जो पर्सन रेड ब्लाइंडनेस से सफर होते हैं, रेड ब्लाइंडनेस से सफर होते हैं उसको बोला जाता है प्रोटोनोपिया, ठीक है,
और जो ग्रीन से सफर होते हैं दैट आर डूटोरोनोबिया, डूटोरोनोबिया। ठीक है, अब हम इसका ये क्या शो करता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करता है। ठीक है, अब हम इसका एग्जांपल करते हैं। एक एग्जांपल इज दैट कि हमारा जो मेल है दैट इज सफर फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, हमारे जो मेल है वो कलर ब्लाइंड है। ठीक है, और जो फीमेल है दैट इज नॉर्मल। ठीक है, दैट इज एक्स एक्स। ओके, जो हमारा मेल है कलर ब्लाइंड है उसको हमने एक्स के ऊपर डॉट से प्रेजेंट किया है। ठीक है, और दैट इज नॉर्मल। ठीक है, तो हमारे पास जो गैमेट होगी वो क्या होगी, एक्स एंड वाई और हेयर एक्स एंड एक्स। ठीक है, हमको जो नेक्स्ट जनरेशन मिलेगी वो मिलेगी दैट इज कैरियर वूमेन। ठीक है, एंड सेकेंड इज एक्स वाई दैट इज नॉर्मल मैन। ठीक है, और कैरियर वूमेन एंड नॉर्मल मैन। ठीक है, हमको जो नेक्स्ट जनरेशन मिली मीन्स F1 जनरेशन में हमको क्या ऑब्टेन हुआ कि जो हमारी फीमेल है दोनों ही क्या है, कैरियर, बट जो मैन है मीन्स वो क्या है, नॉर्मल। ठीक है, अब हम इस कैरियर डॉटर की, ठीक है, मैरिज कर देते हैं नॉर्मल पर्सन से। ठीक है, दैट कंटेन एक्स एंड वाई दैट आर नॉर्मल। ठीक है, अब जो हमारी गैमेट बनेगी दैट इज एक्स वाई एंड एक्स एंड एक्स। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, ठीक है, ये हो गई हमारी F1, और जो अब F2 जनरेशन आएगी दैट इज कैरियर वुमेन एंड सेकेंड इज नॉर्मल मैन। ठीक है, एंड थर्ड कैरियर वुमेन। देखो इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारी एक्स और वाई गैमेट नॉर्मल है, ठीक है, बट जो हमारी एक एक्स है वो डिजीज कंडीशन है एंड एक नॉर्मल है। ठीक है, तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी मीन्स F2 जनरेशन आएगी उसमें जो फीमेल होगी, फीमेल इंडिविजुअल, ठीक है, टू है, इसमें से एक क्या है, कैरियर है, एंड जो हमारी मेल इंडिविजुअल है उनमें से टू में से एक क्या है, कैरियर है। मीन्स जो हमारी 50 जनरेशन है वो, और ये क्या होगा हमारा डिजीज कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर ओनली 1X क्रोमोजोम प्रेजेंट है, बट जो हमारी फीमेल है उसके पास 2X क्रोमोजोम प्रेजेंट है, सो इट इज कैरियर। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो हमारा जो मेल था, ठीक है, वो क्या था, कलर ब्लाइंड। ठीक है, डिजीज कंडीशन थी, उससे क्या हुआ, हमारी जो डॉटर आई F1 जनरेशन में वो क्या थी, कैरियर, उसके थ्रू ये डिजीज किसे पास हो रही है, ग्रैंडसन को। ठीक है, मीन्स यहाँ पर क्या शो हो रहा है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। ओके, और यदि हम एक केस और स्टडी करते हैं दैट इज कि जो हमारी कैरियर डॉटर है उसकी मैरिज हो जाती है दैट इज डिजीज पर्सन से। ठीक है, तो जो हमारी जनरेशन होगी नेक्स्ट जनरेशन इज दैट कि हमारी एक्स एक्स, ठीक है, और एक्स एंड वाई। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी दैट इज कैरियर डॉटर, ठीक है, एंड नॉर्मल मैन। ठीक है, डिजीज डॉटर। ठीक है, यहां पर क्या हो गई, डिजीज डॉटर एंड डिजीज मैन। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, एक ऑफस्प्रिंग दैट इज मेल इज नॉर्मल, ठीक है, और दैट इज डिजीज। ठीक है, ये जो हमारी फीमेल है दैट इज डिजीज। ठीक है, एंड
दैट इज नॉर्मल एंड दैट इज कैरियर।